अगर हिंडरबर्ग की रिपोर्ट फेक है तो क्यों इस पे चुप्पी साधी हुई बीजेपी सरकार ने? आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि अडानी ने कोई घोटाला नहीं करा? हम पागल थोड़ी ना यूनिवर्सिटी के छात्र इसको प्रोटेस्ट करेंगे। मोदी शाह अमित शाह कोई भी आके बोल दे कि जो ये पैसा है कोई नहीं डूबा तो हम कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। अभी वो अभी अडानी उड़ के थोड़ी ना गया, जिस दिन अडानी उड़ के चला जाएगा उस दिन ये जागेंगे। देशवासियों की मेहनत का पैसा अडानी के हाथों में है और जिस दिन अडानी ये पैसा लेकर भाग गया उस दिन हमारे देश का क्या हाल होगा। हमारी मांग सीधी है कि अडानी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इस पर पूरी कार्रवाई हो कि कैसे इसने अपनी कंपनी के इतने शेयर इसके जल्दी से गिरे गए और हमारे ही गरीबों का पैसा इसके पास है, कोई अपने घर से नहीं लेके आया, सरकारी बैंकों ने इसको लोन दिया है। आज क्यों ये बड़ी पार्लियामेंट की कमेटी इसमें जांच नहीं करती है? हम एक ज्वाइंट कमेटी की मांग करते और जल्द इसको गिरफ्तार किया जाए। कार्रवाई करेगी इस मामले में? देखो सरकार को करनी पड़ेगी क्योंकि सरकार का पैसा नहीं जनता का पैसा है। या तो सरकार मोदी और अमित शाह बता दे कि जो पैसा अडानी को दिया गया इन्होंने दिया है तो हमें कोई मतलब नहीं है। जनता का पैसा अगर अडानी लेके भाग जाएगा जैसे और लोग भागे हैं तो फिर गरीब आदमी कहाँ जाएगा? सर LIC का पैसा डूबा नहीं, डूब गया है। हम तो कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, हर बार राहुल गांधी ने इनको आगाह किया है पर इनको ये बात समझ में नहीं आती। सरकार की क्या मंशा लग रही है इस पूरे मामले में? सर सरकार ने तो इसको इतना बड़ा आदमी बनाया है, ये इनका प्यार है मोदी अमित शाह का और अडानी का। अडानी इनको पैसा देता है, हम दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे पैसे को इसको कोई अधिकार नहीं है कि उस पैसे को खराब करे। अगर हिंडरबर्ग की रिपोर्ट फेक है तो क्यों इस पे चुप्पी साधी हुई बीजेपी सरकार ने? आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि अडानी ने कोई घोटाला नहीं करा? हम पागल थोड़ी ना यूनिवर्सिटी के छात्र इसको प्रोटेस्ट करेंगे। विपक्ष का साजिश बताया जा रहा है। सर विपक्ष का साजिश है तो विपक्ष के सामने आए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मोदी जी बोले कि जो पैसा है बिल्कुल सही है, हमारा पैसा है। आज एक गरीब बच्चा अगर कोई आया हुआ इसलिए आया हुआ है कि इन्हीं के माँ बापों का पैसा गवर्नमेंट बैंक के अंदर, एक गरीब आदमी प्राइवेट में पैसा नहीं लगाता, गवर्नमेंट बैंक के अंदर पैसा लगाता है। तो हमारी यही मांग है कि इसको गिरफ्तार किया जाए। आज पूरे देश से कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन की कॉल थी, कांग्रेस पार्टी और हम इसका विरोध करते रहेंगे जब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं। अडानी मामले में झूठ फैलाने की कोशिश, सर हमने कहा तो अगर विपक्ष झूठ बोल रही है, विपक्ष आगाह कर रही है, अगर विपक्ष झूठ बोल रही होती तो विपक्ष का काम नहीं है कि अडानी को ही पकड़ेंगे। एक सीधी सी सवाल है, मोदी शाह अमित शाह कोई भी आके बोल दे कि जो ये पैसा है कोई नहीं डूबा तो हम कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। इस साफ अडानी ने अपने शेयर खुद ही वो बढ़ाता है घटाता है। अभी आप जाने वाले पुलिस रोक रही है, आप देख सकते हो ये प्रशासन द्वारा क्यों रोका जा रहा है हमें, क्योंकि हम गलत नहीं, हम सही है। अगर हम गलत होते तो ये हमें रोकते। ये इन्हें पता है, इनके बाप ने इनको फोन किया ऊपर से, मोदी ने अमित शाह जी ने, कि इनको रोको, ये मुद्दा कुछ दिन बाद उठना चाहिए। अभी वो अभी अडानी उड़ के थोड़ी ना गया, जिस दिन अडानी उड़ के चला जाएगा उस दिन ये जागेंगे। क्या जी क्यों लग रहा है कि अडानी जी देश छोड़ने वाले? सर वो भागेंगे ना, सर समझ नहीं रहे बात को आप। वो धंधा करने आया, हमारा पैसा उसने खराब कर दिया। आप ये सवाल करो ना कि वो कैसे अपनी कंपनी बना के 75% शेयर लेके बैठा हुआ। हम मांग करते हैं इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, जल्द से जल्द गिरफ्तारी, बिल्कुल गिरफ्तारी करी जाए, इस पर जांच की जाए। देश की ग्रोथ नहीं की है ये, देश की ग्रोथ नहीं है ये, मोदी और मोदी के करीब मित्रों की ग्रोथ। अडानी पे गिरफ्तार, अडानी पे काम हो, अडानी पे कार्रवाई की जाए। जेपीसी की मांग दफ्तर जा रहे थे, SBI दफ्तर से मांग करने जा रहे थे कि SBI हमें बताए कि कितना पैसा बीजेपी सरकार द्वारा इनको दिया गया अडानी को और कितना पैसा इन्होंने वापसी देंगे, लिख के देना इस बात को। NHUI JPC की मांग करती है, कांग्रेस पार्टी JPC की मांग करती है, क्योंकि मोदी और अडानी ने मिलकर जो देश का पैसा लूटा है, मोदी और अडानी ने जो मिलकर देश का पैसा लूटा है उसमें मुख्य रूप से आम किसान का पैसा है,
आम मजदूर का पैसा है जो LIC में जमा करवाते हैं, LIC में निवेश करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। LIC का पैसा डूबा है, हम किसान का पैसा नहीं चलेगी। ये देखिए, छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। इस देश में ये अघोषित इमरजेंसी की तरह ये मोदी सरकार एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, इसको हम कह सकते हैं। जैसे नीरव मोदी देश का ना जाने कितना सारा पैसा विदेशों में, ये झोलों की सरकार है, झोलों में भर भर के बाहर भेज दिया जाता है। और इस बार मोदी सरकार एक बड़े घपले के चक्कर में और अडानी के माध्यम से देश का सारा पैसा ये विदेश भेजने की तैयारी में। अभी आप देख रहे हैं बैंक का एक्सपोजर 35,000 करोड़ रुपए अडानी का सीधे, और करीब 80,000 करोड़ इस दिन देशवासियों की मेहनत का पैसा अडानी के हाथों में है। और जिस दिन अडानी ये पैसा लेकर भाग गया, उस दिन हमारे देश का क्या हाल होगा? क्या श्रीलंका जैसा श्रीलंका में हो रहा है, वैसे वो दिन दूर नहीं है। अगर मोदी सरकार को नहीं रोका गया तो श्रीलंका की तरह हमारी देश की अर्थव्यवस्था बदहाल हो जाएगी। मोदी को रोकने की जरूरत है, अडानी को रोकने की जरूरत है, और हमारे देश को बचाने की जरूरत है। यही मैंने कहा, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी हम इसको कह सकते हैं। हमारा बिल्कुल, आप देख सकते हैं, हम अनियत हैं, शांतिपूर्वक हमारा जो राइट है, संविधान जो हमें हमारा अधिकार देता है, वो भी हमसे छीना जा रहा है। इस देश, ये देश आजकल संविधान से नहीं बल्कि मोदी जी के मित्रों से चल रहा है। इसको हमें देखने की जरूरत है और रोकने की जरूरत है।